Hello students, so today our next topic in artificial intelligence is architecture of expert system. So हम expert system के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि expert system क्या होता है, ये हमने last lecture में देखा था. तो let me give you a little introduction about it. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम आप कह सकते हैं, कंप्यूटर, कोई एप्लीकेशन या रोबोट है, जो कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज देता है, जो आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज देता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. मतलब कि उसके पास एक क्या है, एक नॉलेज बेस है जो कि उस जिसमें आपके क्वेरी से रिलेटेड हर एक आंसर होगा. इसको हम मेडिकल फील्ड में यूज कर रहे थे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इजीली अवेलेबल है और उनकी फीस भी रीजनेबल है, कि हमारे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं. बट इन अब्रॉड ऐसा होता है कि डॉक्टर्स एक तो बहुत कम है, ऊपर से फिर उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि सब लोग मतलब नहीं जा सकते हैं उनके पास में. सो कुछ भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम से हेल्प लेते हैं. ओके, तो वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में जो भी एक्सपर्ट सिस्टम, जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, वो वहां पे जाके अपना जो क्वेरी होती है वो इंसर्ट करा देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है. देन उनके पास क्या होता है, नॉलेज बेस से उठ के आंसर आता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाके ये टैबलेट्स ले लीजिए. ओके, तो अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कि क्या होता है. सो हमारे पास 7 मॉड्यूल्स यहाँ पर होते हैं. इंफरेंस इंजन, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल, यूजर इंटरफेस, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल, स्पेशल इंटरफेस, केस हिस्ट्री एंड नॉलेज बेस. सो लेट्स स्टार्ट द आर्किटेक्चर. सो यहाँ पे क्या होता है, हम यूजर है, यूजर यहाँ पे वर्क करता है, यूजर यहाँ पे इंटरफेरेंस इंजन के पास भी होता है. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी क्वेरी अगर है तो हम क्या करते हैं, उसको क्वेरी को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारी ये क्वेरी है, या हम इंटरफेस इंफरेंस इंजन को भी अपनी क्वेरी दे सकते हैं. देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो क्वेरी होती है हमारे पास, उसका आंसर जो आता है वो नॉलेज बेस से आता है. जैसे हमने एक्सपर्ट सिस्टम में हमारा डायग्राम हमने देखा था, ये था कि एक नॉन एक्सपर्ट यूजर है, उसने अपनी क्वेरी सेंड की है यूजर इंटरफेस को, देन वो क्या करेगा, इंफरेंस इंजन के पास जाएगा. देन इंफरेंस इंजन क्या करता है, नॉलेज बेस से वहां से आंसर लेकर आपको एडवाइस बैक कर देता है. ओके, सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इंफरेंस इंजन क्या करता है, कि जो इंफरेंस इंजन है इसको हम ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, कि ये एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन है. इसके पास कुछ रूल्स होते हैं कि कोई भी अगर आपने डेटा जो कंटेन किया हुआ है वो किस रूल के थ्रू आएगा और कैसे वो आपकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा. तो ये जो डेटा आपको प्रोवाइड कराता है वो कहाँ से आता है, आपके पास पास में नॉलेज बेस से. अब नॉलेज बेस में जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, नॉलेज बेस का जो डेटा है वो भी तो कहीं से आता होगा, वो अपने आप तो होगा नहीं वहां पे पहले से पहले. सो नॉलेज बेस में जो डेटा आता है वो आता है नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल से. अब ये नॉलेज एक्विजिशन में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन एक्सपर्ट है, जो ह्यूमन एक्सपर्ट है, क्योंकि हमें ये पता है कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं होता है, उसको हमें प्रोग्राम करना पड़ता है. तो अब ये जो नॉलेज एक्विजिशन है इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट होते हैं, सपोज डॉक्टर्स हैं या जो भी एडवाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो एक्सपर्ट नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के रिगार्ड, मतलब बेसिस पर, या उन्होंने जो भी मतलब अपनी रिसर्च या उनके बेसिस पर वो अपनी क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है वो एक्विजिशन में दे देते हैं. और उसके बाद वो सारा जो डेटाबेस होता है वो कलेक्ट होता है नॉलेज बेस में. ओके, सो नॉलेज एक्विजिशन में क्या हुआ कि जितनी भी नॉलेज है एक्सपर्ट सिस्टम की वो वहां से ह्यूमन एक्सपर्ट से लेता है और नॉलेज बेस के अंदर दे देता है. देन यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जो यूजर है वो नॉलेज बेस के साथ जो कम्युनिकेशन चाहता है, वो जो कम्युनिकेशन है वो यूजर इंटरफेस के थ्रू होती है. कि यूजर इंटरफेस, यूजर क्या करेगा, यूजर इंटरफेस को क्वेरी सेंड करेगा, देन वो नॉलेज बेस के पास जाएगा एंड नॉलेज बेस उसे रिस्पॉन्ड बैक करेगा, एंड देन यूजर इंटरफेस वापस यूजर को रिस्पॉन्ड बैक कर देगा. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल. एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल जो होता है ये है कि कोई भी क्वेरी जैसे आपने की
उस क्वेरी का आपको रिस्पॉन्स मिल गया। अब अगर आप इस पे क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, व्हाट, हाउ, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके जो आंसर्स हैं वो ये देता है कि अगर आपने सपोज अपने सिम्टम्स दिए कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसने नॉलेज बेस से उठा करके आपको क्या कर दिया, वहां से आपकी एडवाइस दे दी आपको कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम है। ओके देन अब अगर आप क्वेश्चन करेंगे उसको कि ऐसा आपने क्यों बोला, तो फिर ये जो है आंसरेबल होता है कि मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि इसका जो एडवाइस है ये हमें कहाँ से, किस एक्सपर्ट से मिली है, डॉक्टर ने बताया हुआ है कि अगर आपके पास ये सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल का होता है, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करता है। ठीक है, सो ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन एक्सपर्ट सिस्टम बिहेवियर बाय इंटरेक्टिवली आंसरिंग क्वेश्चंस व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। ओके सो किसने दिया है, कब दिया है, कहाँ दिया है, कैसे दिया है, वो सारी चीजों के लिए एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल काम करता है। इसको हम जस्टिफायर भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉलेज बेस। सो नॉलेज बेस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सारा डेटा जो है, जो पूरी नॉलेज है वो आपकी यहाँ पे कलेक्ट होती है, जितनी भी आपने ह्यूमन एक्सपर्ट से नॉलेज एक्विजिशन के थ्रू लिया है। सो अब यहाँ पे आपने सारा डेटा, मतलब आपने क्या किया, अलग अलग एक्सपर्ट से आपने डेटा लिया और उस डेटा को आपने नॉलेज बेस में डाल दिया, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो मेडिकल फील्ड से है या वो फाइनेंस फील्ड से है या वो गेमिंग रिलेटेड है, ये जो भी कुछ है वो सारा डेटा अब यहाँ पे स्टोर होता है। अब ये जो नॉलेज बेस है ये डेटाबेस की तरह काम कर रही है। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक है स्टेटिक और दूसरा है डायनेमिक। सो स्टेटिक में क्या होता है, जैसे सपोज आप एक एग्जाम्पल लो कि कोई पार्टी है। ओके सो एक पार्टी चल रही है, वहां पर गेस्ट आ रहे हैं, गेट पर खड़ा हुआ है एक गार्ड। वो जो गार्ड है उसको एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आपको इनसे टोकन देखना है, जो भी आपका एंट्री पास होगा आप गेस्ट से एंट्री पास लेंगे और उसको अलाउ कर देंगे, अगर एंट्री पास नहीं है तो आप अलाउ नहीं करेंगे। तो स्टेटिक का सिर्फ क्या काम है कि उसको सिर्फ इतना नॉलेज है कि उससे जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनसे पास लेना है, पास लेने के बाद एंट्री देनी है, इसके अदर उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। एंड डायनेमिक, डायनेमिक में क्या होता है कि जो गार्ड वहां पर है उसको पूरा नॉलेज होगा कि किसके पास टोकन है, मतलब पास है, उसको अंदर आने देना है, पार्टी कब शुरू होगी, पार्टी कब खत्म होगी, कौन उसे होस्ट कर रहा है, कितने लोगों को एंट्री देनी है। सपोज 100 कैपेसिटी है तो 101 से फिर वो क्या करेगा, गेस्ट को अलाउ नहीं करेगा। सो ये सारी जो नॉलेज है वो डायनामिक के पास में होती है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है केस हिस्ट्री। अब केस हिस्ट्री में क्या होता है कि जब हम जो यूजर है वो इन्फ्रेंस इंजन से क्वेश्चन करता है तो वो क्या करता है, नॉलेज बेस से आंसर देता है। ओके अब क्या हुआ, कोई एक ऐसी क्वेरी है जो बार बार रिपीटेडली आ रही है। ओके या मतलब उस सिमिलर आ रही है रिपीटेडली, वो बार बार मतलब थोड़े थोड़े टाइम में क्या हो रहा है, वो क्वेरी रिपीट हो रही है। तो जो इन्फ्रेंस इंजन है वो बार बार क्या करता है, नॉलेज बेस से ना लेकर कि वो हिस्ट्री से लेता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कैश मेमोरी की बात करें, तो जब हम कैश मेमोरी यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जैसे सपोज हमने क्या किया है, हम यू फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें जितने भी हमने एप्स यूज किए हैं उनकी एक हिस्ट्री बनी हुई होती है। तो जस्ट लेट सपोज हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो अगर हमने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप ऑन किया है तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ फ्यू सेकेंड्स का वो टाइम लेता है। और उसके बाद जब हम घंटे भर बाद या 10-15 मिनट बाद हम दोबारा से व्हाट्सएप खोलते हैं तो वो अपने डेटाबेस से ना आकर के वो कहाँ से लेता है, उसको कैश मेमोरी से ले लेता है। तो सिमिलरली जो केस हिस्ट्री होती है वो भी उसी तरह से काम करती है कि जो भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार वो नॉलेज बेस से ना लेकर के इन्फ्रेंस इंजन को कहाँ से, हिस्ट्री नॉलेज से वो सारे आंसर जो है वो मिल जाते हैं।
देन इन द लास्ट वी हैव स्पेशल इंटरफेस. सो दो टाइप के इंटरफेस हमारे पास यहाँ पर है, एक यूजर इंटरफेस है और दूसरा हमारे पास स्पेशल इंटरफेस है. इस स्पेशल इंटरफेस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम कहें इररिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर के जो भी हमारे पास क्वेरीज आते हैं, सो वो सारी क्वेरीज को हैंडल करने का काम जो होता है वो स्पेशल इंटरफेस का काम होता है. सो दीज आर द 7 मॉड्यूल्स इन आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करता है. सो थैंक यू.